जय हिंद। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है डिफेंस एग्जाम मास्टर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, बेल आइकन जरूर दबा लेना और आपको सारी डिफेंस अपडेट्स मिलती रहेंगी। कोई भी एग्जाम हो रहा है, कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, SSB का कॉल अप आ रहा है, डायरेक्ट एंट्री आ रही है, कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, यू विल गेट माय वीडियो सबसे पहले। आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलेगी ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी और चांस मिस ना करो। डिफेंस फोर्सेज में अगर आप जाना चाहते हो तो एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप 30 साल तक जैसे UPSC का सिविल सर्विसेज या 32 तक देते रहोगे। कोई कैटेगरी कोटा नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, एक बार ओवर एज हो गए तो हो गए, इसलिए एक एक अटैम्प्ट काउंट करता है। इसलिए मेरी वीडियो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ। आई हैव बीन देयर डन दैट वाला सिस्टम है। मैंने खुद एग्जाम्स पास किए, 5 CDS 8 FCAT, तो मैं आपको एक बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे सकता हूँ। अगर आप कहीं फंस रहे हो एग्जाम में तो आ जाना। आज की वीडियो क्या है, अब तुम लोगों को पता है कि CDS 2 2024 का फॉर्म लाइव हो चुका है। क्या है? CDS 2 2024 का फॉर्म लाइव हो चुका है और इसमें मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हु वॉन्ट टू ज्वाइन आर्मी वाया CDS एंट्री कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से, जो लड़कियाँ ज्वाइन करना चाहती हैं अकेडमी। तो गर्ल्स के पास एक ही ऑप्शन होता है CDS में, दैट इज OTA चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी बेटा चेन्नई। आपके पास इस बार 19 सीट्स आई हैं। कितनी सीटें आई हैं? 19 सीट्स। उन 19 सीट्स के लिए आपको हजारों की संख्या में लड़कियां जो है कंपीट करती हैं और 19 सीटें अगर हैं तो 100 से ज्यादा लड़कियां रिकमेंड होंगी। तो मेरे पास क्या है, आपको OTA भरना है। केवल आपकी चॉइस एक ही रहेगी कि आपको OTA भरना है 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आपको OTA भरना है। कुछ चीजें जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, बेस्ट स्ट्रेटेजी टू गेट इन मेरिट बाय शिवम सर। तो मैंने खुद एग्जाम पास किया है, मेरे बैच की बच्चियों ने पास किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे मेंटीज ने पास किया है, OTA में गई हैं लड़कियां, तो मैं उनके हिसाब से बताऊंगा कि कैसे करती थी, मैं अपने बच्चों को कैसे गाइडेंस देता हूं, कैसे वो बच्चे पास करते हैं, क्या रूटीन रहना चाहिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आखिरी तक जुड़े रहना और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और इसको किसी न किसी अपनी ऐसी फीमेल फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो आर्म फोर्सेज को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है और जिसको मदद चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा बड़ा भाई है तुम लोगों को हेल्प करने के लिए, टेंशन मत लेना बस। ठीक है, चलो स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी। अगर मैं बात करूं स्ट्रेटजी ऑफ OTA, तुम्हें पता है कि OTA में अगर आपको जाना है 19 सीटों पे, अगर आप लड़की होके कंपीट कर रहे हो तो आपको दो पेपर देने हैं। एक आपका क्या है, इंग्लिश है, ठीक है बेटा, और एक तुम्हारा यहां पे क्या है, GK है। अगर मैं बात करूं, ये डरने वाली बात नहीं है, इसका सबका एक सोल्यूशन है, मेरा सुपर 50 बैच। मेरा एक बैच है, पेड बैच है, वो मेरा सुपर 50। अगर आप फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट में हैं तो आप एक बार मेरे से बात करना, मैं देखूंगा कि क्या हेल्प मैं कर सकता हूं। नहीं तो मेरी फ्री वीडियोस के माध्यम से भी बच्चे तैयारी कर सकते हैं। CDS का, FCAT का, NDA का सबका फ्री बैच मैंने डाला हुआ है। जितनी वीडियोज़ तुम्हारी पढ़ाई के लिए जरूरी है वो वीडियोज़ मैंने बना के रखी हुई हैं। सेल्फ स्टडी प्लान भी बनाया हुआ है, कौन कौन सी किताबें लगती हैं, किस तरीके से आप कर सकते हो, कौन सा टॉपिक कौन सी क्लास की NCERT से आता है, सब वीडियोज़ मैंने बना रखी। चैनल में जाओ, NDA की, CDS की, FCAT की, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा इंग्लिश। यहाँ पे आपको अगर OTA में मेरिट में आना है तो आपको कम से कम 80 मार्क्स तो चाहिए, 75 से 80 मार्क्स चाहिए, और इनफैक्ट ज़्यादा आ जाए तो और बेहतर है, क्योंकि मोटा मोटी अगर मैं मान लूँ ना बेटा तो 110 के आसपास कट ऑफ पकड़ लो, मोटा मोटा 110 के आसपास कट ऑफ पकड़ लो 200 में से। ठीक है, GK की कट ऑफ जो है, और GK में आपको कम से कम अगर 35-40 नंबर ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस पर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको यहां से ज्यादा नंबर खींचने पड़ेंगे। और अभी इस बार CDS में थोड़ा सा गेम प्लान ये हो गया था कि लैटिन वर्ड पूछ लिए थे, रूट वर्ड से इंग्लिश आ गई थी तो बच्चे हो गए थे कंफ्यूज। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मैंने तो भाई बचपन से अंग्रेजी पे मेहनत करी है तो मेरी अच्छी है, तो आपको वो सारा सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगा। इस बार मैं नॉर्मल लुइस की एक पूरी सीरीज चालू कर रहा हूं कि रूट वर्ड से अंग्रेजी कैसे अच्छी करिए, 60-70 लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे, उसमें उसको देखना, उससे काफी हेल्प होगी। ठीक है, अगली चीज क्या है कि GK में कैसे नंबर आए। GK में आपका पूरा GK हो गया, स्टैटिक GS हो गया पूरा, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हो गया, और आपके करंट अफेयर्स एंड डिफेंस GK तो हो ही गए। करंट अफेयर्स के लिए मेरी मंथली वीडियोस आती हैं और मेरी मैगजीन भी आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो मेरे ऐप पे जिसका नाम है स्टडी दोस्त। मैं डेली वीडियोज डालता हूँ करंट अफेयर्स की, डेली अपडेट डालता हूँ करंट अफेयर की, और उसी की आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी है कि नंबर तुम्हें खींचने पड़ेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में, और उसके लिए आपको डेली 1-2 आवर पढ़ना पड़ेगा, 1-2 आवर आपको डेली पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश का, 1-2 आवरली पर डे, 1 से 2 घंटे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, 1 से 2 घंटा आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरा क्या तरीका है,
मैं अपने बच्चों को 40 मिनट लेक्चर देता हूँ, 40 से 45 मिनट मेरा इंग्लिश का डेली लेक्चर होता है। उसके बाद मैं बच्चों को बोलता हूँ इतना टास्क दिया रहा हूँ, ये टास्क करके लाओ, तो बच्चा पढ़ेगा तो 40 45 मिनट एक घंटा ऑटोमेटिकली पढ़ेगा। अर्ली मॉर्निंग आवर्स आर द बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम है उसमें आप अंग्रेजी पढ़ो, रिटेंशन ज़्यादा रहता है, ताज़ा ताज़ा उठे होते हो, फ्रेश होता है दिमाग, जल्दी चीज़ें अंदर घुसती हैं। तो याद करने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, पूरे ग्रामर के रूल्स हो गए आपके, है ना, PYQ एनालिसिस हो गया। आप जब इंग्लिश को सुबह सुबह पढ़ते हो तो ज़्यादा रिटेन होती है दिमाग में, तो नंबर ज़्यादा खींचे जा सकते हैं। बाकी मेरा सुपर 50 का बैच है, कहीं कंफ्यूजन तुम्हें है लड़कियों को तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, भैया मुझे हेल्प चाहिए, तो आप आराम से जो है हेल्प लेके मेरे बैच में आके तैयारी कर सकते हो। 2 घंटे की कमिटमेंट आपको मेरी तरफ से रोज की मिलेगी, जहाँ पर मैं क्लासेस लेता हूँ रात को 8 से 10, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारी सेल्फ स्टडी, फिर तुम्हारे टेस्ट सपोर्ट हो जाएगा पेपर, इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है अगर आप सिस्टम से तैयारी करते हो। दैट इज अ वेरी वेरी 1-to-1 थिंग, ठीक है। तो 1-to-2 hours आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी वॉक ऐप पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि UPSC का कोई सिलेबस नहीं देती, ठीक है। वो बोलती है कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और मैं उसको बोलता हूँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो भाई जब जिस आदमी ने 5 बार पेपर पास किए, 14-15 पेपर फौज के पास किए, तो आपको बेहतर तरीके से बता सकता है, ठीक है। अब आते हैं जीके जीएस। स्टैटिक का पार्ट मैं बहुत अच्छे से कवर कराता हूँ। जीएस में आपका हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इको हो गया, इको में इस बार 14 क्वेश्चन आए थे और मेरे बच्चों ने निपटा दिया सारा। मैंने बोला था कि इको अच्छे से पढ़ा करो, मैंने सब पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इको हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, तो इसमें भी सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो ये है करंट अफेयर्स एंड डिफेंस, कुछ मिसलिनियस के टॉपिक्स होते हैं, तो मैं सारी चीज़ें कवर कराता हूँ। तो बैच में आने के बाद आपको फायदा यह है कि आपको क्लटर्ड नहीं होगी आपकी तैयारी, यहाँ से ये कर रहे हैं वहाँ से ये कर रहे हैं, एक सिस्टम से मिलेगा, एक स्टडी प्लानर होगा आपके पास, आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होगा, आपके पास एक एजेंडा होगा, तो उस बैच में आके आप तैयारी कर सकते हैं। आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि सिंसियरली तैयारी करो, तभी निकलेगा, क्योंकि UPSC के बच्चे जो तैयारी करते हैं वो CDS का एग्जाम देते हैं गर्ल्स स्पेसिफिकली, और वो निकाल देती हैं, हालांकि वो ज्वाइन नहीं करती, पर वो सीटें तो आपकी गई, ठीक है, उसी लड़कियां ज्वाइन करती हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि थोड़ी बहुत तैयारी से, थोड़ा बहुत पढ़ के 1-2 घंटे से हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। 19 सीटें हैं और 19 सीटों पे लगभग मान लो तुम 1000 से 1500 लड़कियां जो हैं पास करती हैं पेपर। तो आप ये देख लो कि कितना टफ कंपटीशन है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको कहीं पर भी मदद चाहिए, भाई का नंबर है, इस पर मुझे मैसेज कर देना। तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज़ ये है कि मेरा जो बैच है ना OTA वाला, दिस इज़ द बैच, ये मेरा बैच है बेटा, ट्राइडेंट OTA, ठीक है, ये CDS OTA का ट्राइडेंट वाला बैच है। इस बैच में आके तैयारी करो, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, और SSB की भी बेसिक्स मैं बताता हूँ आपको। यही था, और तो कुछ है नहीं। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद। कहीं पे फंस रहे हो, कोई दुख तकलीफ है, कमेंट करके नीचे बता देना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लेना। आई एम ऑल्सो ऑन LinkedIn, मेरे को LinkedIn पे फॉलो कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, मेरा नंबर मिल जाएगा, नंबर मैंने दे भी दिया है आप सभी को। पढ़ाई करो, मेहनत करो, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है अगर आप मेहनत करते हो। हर वो बच्चा पास कर सकता है जिसके अंदर विल है, इच्छा शक्ति है कि मैं करना चाहता हूँ। आपके पास मेंटर्स आसपास ही हैं, आप उन लोगों को ढूंढो मेंटर के रूप में, जो एक बड़े भाई की तरह आपको सपोर्ट दें, है ना। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आप अपने मम्मी पापा को शेयर नहीं कर सकते, आप अपने मेंटर से शेयर करोगे तो मेंटर अपने लाइफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से निकला है ना। मम्मी पापा की और तुम्हारी जनरेशन में एक पूरी एक जनरेशन का गैप है। मेंटर क्या है, आपकी एज से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, वो भी उसी रास्ते से निकला होगा, तो आपको बता सकते हो। यू कैन चूज मी एज अ मेंटर, यू कैन चूज एनी अदर टीचर ऑल्सो एज अ मेंटर, बट ये देखना कि लाइफ एक्सपीरियंस उसको हो, वो उस पर्टिकुलर डोमेन से हो, तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेगा, आपका समय एनर्जी रिसोर्स सब कुछ बचेगा, आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, एंड आई विश टू सी यू ऑल गाइज इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद।